हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुपर कोचिंग आईएएस फायर टेस्ट बुक। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक के विषय में। एंड आप सभी को पता है कि अभी जस्ट जो पेपर हुई है 2023 का, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उन सभी को आपने देखा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्यूचर में हम बात करते हैं 2024 का या 2025 का, अगर आप सोच रहे हैं तो हम साइंस एंड टेक को कैसे देखते हैं, क्या प्लानिंग होना चाहिए आपको साइंस एंड टेक को लेकर, और किस स्ट्रैटेजी के साथ आप साइंस एंड टेक को कवर कर सकते हैं, इन सारी गुत्थी को सुलझाने का काम आज हम करेंगे। और हम एक एक बिंदु पर, एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे कि साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है। बेसिक से अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक का, तो प्रीलिम्स का वेटेज हो जाए या मेंस का वेटेज हो जाए, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और जो नए जो न्यू कैंडिडेट हैं, तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जीएस पेपर 3 में ये हमारा जो 3 की बात करते हैं, इसमें साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं। मेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो मेंस में आपको जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आते हैं। जबकि वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई साइंस एंड टेक की क्या भूमिका होगी, क्या प्रीलिम्स के सिलेबस हो सकते हैं, क्या मेंस के सिलेबस हो सकते हैं, तो इन सभी चीजों पर पहले छोटी छोटी चीजों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जब यूपीएससी की हम चर्चा करते हैं तो यूपीएससी का मतलब है कि आप सोचते हैं सर यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। जी हाँ, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इसकी तैयारी आप अलग अलग बिल्कुल ना करें। आप अपनी तैयारी को तब से शुरू करते हैं जब आप प्रीलिम्स स्टार्ट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका मेंस भी और आपका इंटरव्यू जो है वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखेंगे, साइंस एंड टेक को भी लीजिए और अदर सब्जेक्ट को भी आप इसमें अगर ऐड करते हैं तो देन यू ऑल्सो सी अबाउट दैट व्हाट आई एम सेइंग। जी हाँ, तो जब हम प्रीलिम्स की चर्चा कर लें या मेंस की चर्चा कर लें, आइए पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि साइंस एंड टेक का क्या है। जब हम बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे सब्जेक्ट में क्या है, क्या सिलेबस है। अगर यूपीएससी में देखें तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आता है कि व्हाट इज सिलेबस, सर ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो सबसे आसान तरीका है इसको जांचने का, इसे आप टेस्ट कर सकते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसका तरीका है कि आप PYQs देखें। PYQs कहने का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना देखकर और केवल जाते हैं, केवल आप सिलेबस देखते हैं, तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। ओनली अगर आप सिर्फ सिलेबस आप देखें तो आप क्वेश्चंस में कन्फ्यूज कर जाएंगे कि सिलेबस में तो कुछ और था, पूछा कुछ और जा रहा है। जी हाँ, तो उसी चीज को आज समझना है और पॉइंट टू पॉइंट समझना है। जब हम बात करते हैं यूपीएससी में, तो यूपीएससी में क्या कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी मानना होता है कि अरे साइंस एंड टेक है तो इसे क्या कम मार्क्स के होते हैं, इसे नेगलेक्ट कर दिया, जैसे एलिमिनेट कर देते हैं तो अदर भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ आपके रिजल्ट में ये बहुत बड़ा रोल जो है ना इसका है, और उसी को आज समझेंगे। यूपीएससी की बात करते हैं तो आप देखें, आप जानते हैं कि प्रीलिम्स की अगर हम चर्चा कर लें तो टोटल 100 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। एक अमूमन पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसका वेटेज क्या है प्रीलिम्स की मैं बात कर लूं पहले प्रीलिम्स पे चर्चा कर लेते हैं कि अमूमन आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हर साल, मैं बात कर ले रहा हूं आपको 2012 की बात कर लीजिए, 12 से लेके अभी मैं 23 तक की ही बात कर लेता हूं। अमूमन आप देखेंगे प्रीलिम्स में इसका वेटेज, एक एवरेज अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 12-15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल और केवल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कुछ ईयर्स ऐसे हैं प्रीवियस ईयर में जहां प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की जो संख्या है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 19 तक भी गए हैं, 19 तक, यानी कि एक बहुत बड़ी रोल, बहुत बड़ी भूमिका है जो ये हमें रिजल्ट मेकिंग में आपके जो है हेल्प कर सकती है। अब क्या प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर देखेंगे, आप यूपीएससी के सिलेबस में जाएं तो प्रीलिम्स को जब हम देखते हैं तो केवल और केवल वहां पर लिखा होगा आपको साइंस के रूप में लिखा रहेगा जनरल साइंस। तो क्या आप जनरल साइंस का मतलब क्या समझते हैं, जनरल साइंस का मतलब आप क्या समझते हैं कि सर क्या ओनली बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या यही चीजें पूछी जाएंगी क्या जनरल साइंस की बात। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप जाएंगे तो आपको साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में केवल आपको लिखा हुआ मिलेगा जनरल साइंस,
only general science, but not be confused guys. इसके पीछे का जो रीजन है और इसके पीछे जो मिस्ट्री है उसी मिस्ट्री को तो तोड़ना है और वहां से जो मिथ है ना उस मिथ को वहां से हटाना है। साइंस एंड टेक का मतलब यूपीएससी कुछ और कहती है। साइंस एंड टेक का यहाँ जो जनरल साइंस लिखी है प्रीलिम्स में तो आपको बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछते हैं, जी नहीं। अगर आप देखें तो इस ईयर भी बात कर लें तो एक भी क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इन सब का जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो हमारा जनरल साइंस से ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मैं इस साल के क्वेश्चंस पे भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि ये जनरल साइंस तो लिखा गया है लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, क्यों ऐसा होता है। फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे जनरल साइंस का मतलब, यहाँ कहने का मतलब तो इसने कह दिया कि भाई सिलेबस में कि हम आपके प्रीलिम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चंस ही आपसे पूछेंगे, है ना। लेकिन जनरल साइंस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके अप्लाइड साइंस से पूछे जाते हैं। अप्लाइड साइंस दैट मीन्स कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि जिस जनरल साइंस को हम अप्लाइड करके उसके व्यवहार को जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा इस साल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे और उनमें सारे लगभग अधिकतर क्वेश्चंस आप देखें टोटल, अगर एक अभी 2023 की ही बात कर लें, इसके प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की अगर मैं चर्चा कर लूं तो प्रीलिम्स में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 15 क्वेश्चंस एक एवरेज में आपके आए थे प्रीलिम्स, 15 एक एवरेज की बात कर रहा हूं। और इसमें आप कहोगे सर जनरल साइंस के, तो एक भी फ्रेंड्स क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके नहीं थे। टोटल के टोटल क्वेश्चंस जो आपके आए थे वो आपके अप्लाइड क्वेश्चंस थे, टोटल अप्लाइड साइंस के क्वेश्चंस थे टोटल के टोटल। चाहे यहाँ पर बात कर लें सेल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो हो जाए, चाहे आपको पूछा गया था एक्वेटिक से रिगार्डिंग एक्वेटिक वाला, ठीक है, वो क्वेश्चंस की चर्चा कर लें, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे, हम क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। तो बात आ जाती है कि हमें इन जनरल साइंस में अमूमन क्या पढ़ना होगा, प्रीलिम्स को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होना चाहिए, अगर जनरल साइंस है तो इसे हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी पूरा का पूरा चीज जाता है कि भाई आप प्रीलिम्स में साइंस का जो वेटेज है, साइंस एंड टेक की बात करें, इसका वेटेज को आप क्लियर तभी कर पाते हैं क्योंकि जनरल साइंस लिखा तो है और अप्लाइड साइंस पूछा गया है, तो अप्लाइड तभी हो पाएगा जब आपका फंडामेंटल पूरी तरह से स्ट्रांग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल यू हैव टू डू द अप्लाइड। बट एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो साइंस की हमने बात कहा, ये अप्लाइड साइंस कहाँ से आएंगे, किस सेक्शन से आएंगे, जो हमारे डे टू डे लाइफ में चल रहा होता है, जो हमारे अभी ग्लोबली जो चल रहा होता है, वहां से ये सारी चीजें निकल के आएंगी। बात करते हैं सर ये बातें कहाँ से निकल के आ सकती है, तो मैं इसमें चर्चा कर दूँ आपको छोटी सी। जैसे बायोटेक की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेम सेल अभी चर्चा में, स्टेम सेल की बात कर ले, यहाँ से भी चर्चा में बायोटेक से क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लें आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेस टेक की बात कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहीं पर चर्चा कर लें आपके जो नैनो टेक्नोलॉजी है, कि आज के डेट में नैनो टेक का बहुत ज़्यादा भी चर्चा में चल रहा है, तो नैनो टेक का खास करके नैनो का जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के बात कर लें, तो नैनो फर्टिलाइजर का आपने नाम सुना होगा, नैनो फर्टिलाइजर के सेक्शंस में आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सब क्या है, ये सारे अप्लाइड साइंस हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लें आईटी एंड कम्युनिकेशन का, है ना, आईटी कम्युनिकेशन का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहीं पे चर्चा कर लें आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी से, ये जो डिफेंस है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अप्लाइड साइंस का ये पूरा का ब्यौरा हमने आपको ब्यौरा बताया कि ये सारे व्यूज हैं जहाँ से प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे। अब थोड़ा सा हम इस पर चाहेंगे कि आपको एक पहले एक वे बता दें कि कहाँ से किस वर्ष कितने क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, अगर उससे थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए तो। चलिए पहले थोड़ा सा आप इसको पहले देख लें जो कि आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा कि चलो भाई हम जो प्रीलिम्स करेंगे उसके लिए हमें फंडामेंटल क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी चाहिए, फंडामेंटल में और तैयारी हम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, किस कोई सोर्स होना तो चाहिए फंडामेंटल को तैयार करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वही चीज़ है कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट आईएएस यूपीएससी सीएससी सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी कैन से दैट एवरी ईयर एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, यूजुअली एंड लिटरली अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये राइट है, 10-15 ऑन एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं।
अब यहाँ पे हमने आपको जनरल साइंस के कुछ सिलेबस को यहाँ पे मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँ, क्योंकि ये सिलेबस आपको कवर करनी है। कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने बस बेसिक से कुछ क्वेश्चन इसमें जो पॉइंट है उसको डाला है। अगर आप ऐसे सिलेबस को पहले कवर कर लेते हैं जो फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा बेसिक्स में भी नहीं आना है क्योंकि अप्लाइड पूछा जा रहा है, तो आपको फंडामेंटल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको फिजिक्स की बात कर लूँ, आपका बिग बैंग थ्योरी जो है वो, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर ले, क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, क्वांटम थ्योरी से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आ रही है ना। फोर फंडामेंटल फोर्स जो भी है, जो बात करते हैं जो फंडामेंटल फोर्स है नेचर के, उसके सब्जेक्ट्स में आपको मैकेनिक, या आप सीधा कहते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियर पावर जो की बात कर ले रहे हैं, आप जो पढ़े होंगे एकदम बेसिक था, टेंथ अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्रीजन रिएक्शन, जो हम ऊर्जा के स्रोत की बात कर लें, सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के डेट में, जो न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, ये सब आप तभी पूरी अच्छे तरह से कवर कर सकते हैं जब आपका बेसिक लेवल है ना। अगर आपका क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाता है कि भाई बताए कूलेंट, जो आपका कूलेंट ऑब्जेक्ट है उसके रूप में हम किसका, कौन कौन से ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, मॉडरेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, है ना, ऐसा सब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया था 2023 की ही चर्चा कर रहे हैं। यहीं से आपको जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो है सोर्स में जो आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्स का है या नहीं है, है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बेसिक से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ठीक है। वही केमिस्ट्री की बात कर लें तो आपको बेसिक चीजें जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सब आपको केमिस्ट्री में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। एलिमेंट्स जो है, कंपाउंड, मिक्सचर, बेसिस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रह रहा है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके तो बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है, जो बेसिक जो एक सोचने का तरीका होना चाहिए वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। आफ्टर दैट अप्लाइड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊंगा कि कहाँ से कैसे हम उसे कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके पास जो बेसिक्स हैं उसे आप कर लीजिए। हाँ, लास्ट में उस पर भी चर्चा करूंगा इन बेसिक्स को आप कहाँ से कर सकते हैं, किसे कवर कर सकते हैं। बायो की अगर इन सब में अगर क्वेश्चंस को देखें तो सबसे ज्यादा जो आपका सेगमेंट होता है, जो बायोलॉजी का सेगमेंट होता है, जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं, इस सेगमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगर इस सेगमेंट की चर्चा कर लें, खास करके आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जेनेटिक की बात करते हैं, जीन की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, स्टेम सेल की बात करते हैं, ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, आपने ऐसा मतलब अभी हम लोग इंटरनेशनली लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो अचीवमेंट किया है, तो वो ह्यूमन के द्वारा जो ये सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं, वो सारी अचीवमेंट्स आप बायोटेक के अंतर्गत आप देखेंगे। ट्रांसप्लांट, जैसे कि अभी हर्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था अमेरिका में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि हम ऑर्गन, जैसे कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का हर्ट अब ह्यूमन में लगाया जा रहा है, तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट हैं, उन सारे एक्सपेरिमेंट में भी चर्चा होगी। क्लोनिंग सिस्टम्स की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, तो बायोटेक का बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ब्रॉड लेवल पे जाके आपको सोच तभी तैयार हो सकता है, आप तभी उसको रेडी कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स, क्योंकि अब हम बात कर ले रहे हैं स्टेम सेल का, है ना, आपको पहले उसमें पता तो होना चाहिए कि सेल होता क्या है। अब ये चीजें तो क्लियर होनी चाहिए कि फंडामेंटल जो है या स्ट्रक्चरल हम बात करते हैं, यूनिट होता है बॉडी का, सेल का क्या फंक्शंस होता है, सेल के ऑर्गन्स के बारे में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, माइटोकांड्रिया की बात कर लें, वैक्यूल्स की बात कर लें, है ना, तो इन सारे फंक्शंस के बारे में आपको पूरी तरह से पहले कंफर्म होना पड़ेगा। आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन या डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन सा फॉस्फेट होता है, ये सारे बेसिक टर्म्स आपके बायो के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हेल्प हो सकता है, अभी आपने बायोटेक में मैं बात कर लूँ, अभी ही मेंस के सिलेबस में आपने देखा हुआ 2023 में कल भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, खास करके हमारे एनर्जी के सोर्स में कैसे ये हेल्प कर सकते हैं। अभी मेंस के क्वेश्चंस में आपका कल का जो जीएस पेपर थ्री हुआ था उसमें साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, तो बायोटेक में ये जो क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको तो बायोमास समझ में आना चाहिए, आपको फॉसिल फ्यूल समझ में आना चाहिए, ये सारे सेक्शन आपको, मैं आपको एथेनॉल समझ में आना चाहिए, है ना, आपको मेथेनॉल समझ में आना चाहिए, ये सब फंक्शंस आप तभी सीख मतलब बढ़िया से कर पाएंगे जब आपके बेसिक फंडामेंटल जो है सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। तो पहले ये वायरल डिजीजेज, अभी ही कोविड हुआ था, कोवैक्सीन के बारे में ये सब जो क्वेश्चन हैं आपसे गारंटी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, कोवैक्सीन क्या, कोविन क्या है, है ना, तो ये या इसके विषय में अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं या एंटीवायरस की बात करते हैं कैसे बनता है, है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहीं से निकल के आती हैं। तो एक बेसिक सा समझ जो है, एकदम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास ये साइंस लेवल पे होनी चाहिए। इसी में प्रोटीन की चर्चा कर लें, अमीनो एसिड हो जाए, एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं,
अब विटामिन से मिनरल्स हैं और कुछ समथिंग बात कर ले तो डिफिशियंसी जो डिजीजेज वगैरह है वो चीज, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जिसका क्योर किया जा सकता है, कुछ का नहीं किया जा सकता है, उन डिजीजों पे कौन कौन से मेडिसिन का यूज कर सकते हैं वो सब पर जो है अभी काम हो रही है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों चीजें होने के बाद, ये तीनों चीजें आपने अगर बेसिक चीजों को कवर कर लिया, और ये बेसिक चीज आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, बस सिंपल सा चीज है, इन सभी का एक ही चीज है कि आप एनसीईआरटी का बुक पकड़े, एनसीईआरटी का कहां से कहां तक, 6 to 12, आप एज अ बेसिक लेवल पे आप इनका सबका बेसिक्स जरूर आप एक बार पढ़ लें, इसको बस पढ़ लीजिए और ये फंडामेंटली तरीके से भाई क्या होते हैं उसको आपको समझना है, और जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ट होंगे, ये इन्हीं हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे बेस्ट होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके करंट इवेंट को लेकर चलेगा। करंट इवेंट्स का मतलब क्या, जो हमारे अभी जो वन ईयर के अंत अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो साइंस एंड टेक से रिगार्डिंग है, साइंस एंड टेक का कौन सा न्यूज़ जो इसके रिगार्डिंग रहा है, कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैसा रहा है, या स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत क्या हो रहा है, या बायोटेक के रिगार्डिंग क्या हुआ है, है ना। या आप मान के चले कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, हम बात कर लेते हैं LCD का आप यूज कर ले रहे हैं, है ना, आप LED का यूज कर ले रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप LCD LED तो आप यूज कर ही रहे हैं, आपको यहाँ से जो है ट्रांजिस्टर का आपने यूज किया था, आपने डायोड का यूज किया था, सारी चीजें। अब आपके पास बहुत सारे कार्बन के और भी सोर्स, अगर हम बात कर लें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में ग्राफीन के विषय में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो आप ग्राफीन के विषय में जानेंगे तब तो वो कहाँ जानेंगे, आप बेसिक से टर्म्स में जाकर ये सारी चीजों को समझेंगे तब इसको कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रीलिम्स का एक ओवरऑल सिलेबस रहा जहाँ पर हम कर सकते हैं, पहले आपको NCERTs पर पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी है, फंडामेंटल पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहे। तो ये NCERT का जो सिलेबस रहा है, तो NCERT का सिलेबस में मैंने आपको पहले ही कहा था, इसको कंफर्म करने के लिए आप NCERTs पर जाएं, और NCERTs से आप पूरी तरह से अगर हम बात करें तो आप बेसिक्स जो है रट्टा नहीं लगाना है, बस चीजों को समझना है ना, सिर्फ चीजों को समझना है, आप NCERT को पहले कवर करें उसके बाद चलते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आसानी से डील किया जा सकता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें, जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्रीवियस क्वेश्चंस आते कैसे हैं और वो क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको मिल जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं कि अब मेंस के सिलेबस, जो हमारा मेंस का सिलेबस है, मेंस जो कि आपके GS Paper 3 के अंतर्गत आएगा, ये GS Paper। अब यहाँ पर GS Paper 3 का अंतर्गत में ये आपको आते हैं, तो इसमें कितने क्वेश्चन एक ऑन एवरेज पर अगर देखें तो भाई एवरी ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एवरेज अगर बात करें 4 क्वेश्चन आप देख लें, और 50-60 मार्क्स का जो है आपको वेटेज जो है साइंस एंड टेक का रहता है, ऑन एवरेज 4 to 5 जो क्वेश्चन है आपके मेन्स में पूछे जाते हैं, इस साल का भी यही रहा। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप चलेंगे तो 2022-23 का तो मैंने कह दिया कि 4 क्वेश्चन, 22 में भी चलेंगे तो यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एक कमेंट ज्यादा नहीं, अगर आपने 2021 से भी अगर देखें तो यहाँ भी आपके एवरेज में लगभग 4 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, और मार्क्स बेसिस पर अगर बात करें 52-60 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। आप देख लें सब में एक एवरेज में 2021 का 3 क्वेश्चन थे जिसमें मार्क्स में 37.5 एक एवरेज में, 22 और 23 का 4 क्वेश्चन एंड 50-60 मार्क्स आप ऑन एवरेज ले सकते हैं, आप दे सकते हैं 23 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 13 में, और 14 में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 15 में 3 क्वेश्चंस थे, 16 में 2 क्वेश्चंस, 17 में 3 क्वेश्चंस, है ना, 18 में 2 और आप 20 के बाद, ठीक है, 2020 के बाद आप देखें कि भाई क्वेश्चंस की जो संख्या है वो उसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट है, और मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन की संख्या जो है आपका इंक्रीमेंट है, तो मार्क्स में भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। यानी कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी आपका आराम से क्वेश्चंस जो हैं अराउंड आप 4 to 5 एक लेके चलेंगे कि वेटेज जो है क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं। अब ये क्वेश्चंस रहते कहाँ से, पहले सिलेबस UPSC का देख लिया जाए, क्योंकि जो मिस्ट्री है अगर देखेंगे तो वो आपके यहाँ सिलेबस में ही है। आप इसके सिलेबस को देखने के बाद आपको लगेगा कि बस इतना सा छोटा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। चलिए पहले उसी सिलेबस को देखते हैं कि यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा क्या है अपने मेंस के सिलेबस में। आप यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीधा सा पहला प्रश्न ये आप देखेंगे, पहला पॉइंट है कि डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, पहला पॉइंट डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बिल्कुल, जो कि प्रीलिम्स में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो
फैक्चुअल होते हैं, फैक्चुअल फैक्ट, कुछ डेटा जो है आपके पास होना चाहिए और आपके फंडामेंटल जो भी बेसिक्स हैं आपने पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, और जो डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हैं दोनों में बस अंतर इतना है, डिफरेंस अगर हम देखें तो केवल आपको दो ही चीजें देखनी पड़ेंगी। हमने प्रीलिम्स में बेसिक समझ बनाई, टोटल जो है अंडरस्टैंडिंग हमने बेसिक्स पे काम किया, बेसिक्स पे काम करने के बाद हमने जो डे टू डे लाइफ में चल रही है उस डेटा को हमने एब्जॉर्ब किया, जैसे चंद्रयान का डाटा हो जाए, स्टेम सेल्स चल रहा है उसका, या न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लें उसकी चर्चा कर ले रहे हैं, उसकी बात कर लें है, या बायोटेक में कुछ चल रहा है हम उसकी बात कर ले रहे हैं, तो ये सब डेटा जो है उस डेटा के रिगार्डिंग आपसे जो क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, AI के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, या हम बात कर लें हेल्थ सेक्टर में कुछ हो रहा है ना, तो ये सब, और कुछ मिशलेनियस को ले लेते हैं, तो ये डे टू डे लाइफ में जो चीजें चल रही होती हैं बस उससे आपको डेटा और एक्चुअल करंट करके आप निकल सकते हैं। मेंस में भी बस उसमें डेटा था, अब मेंस में थोड़ी सी आपको डेप्थ में उस चीज को बस लिखना होता है जो देखिए आपको हेल्प करता है, वही चीजें जो प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, जो फैक्ट आपसे जानना चाहता है उसी को डेप्थ में आपको करना यहाँ पे होता है। डेवलपमेंट एंड द देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, जो हमारे एवरीडे लाइफ में चल रहा है, जो डेवलपमेंट हमने किया है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है जो एवरीडे लाइफ में, अभी ये देखें 2023 में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने कहा था कि भाई जो इनर्जी के सोर्स के रूप में हम कैसे फॉसिल फ्यूल से अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको कम कर देते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स को कम करते हुए जो कार्बन इमिशन है उसको भी हम कंट्रोल करेंगे, है ना। इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसी हमें, और कुछ वेज सेवरल वेज बता दीजिए जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इससे हमें सहायता करेगी, हमें हेल्प करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। या आप ये देख सकते हैं कि अभी हमारा हुआ था 2023 में जो जिस 2023 में जो G20 समिट हुआ था दिल्ली के अंदर अपना ही भारत में, तो वहाँ अभी बायोफ्यूल्स की चर्चा चली थी, तो बायोफ्यूल्स वगैरह के डेवलपमेंट्स में उसमें हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं अपने एवरीडे लाइफ में, उन सारी चीज़ों पर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो अब हमारा हो गया कि भाई जो एवरीडे लाइफ में चल रही है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, चाहे डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, चाहे IT सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, है ना, चाहे अगर हम बात कर लेते हैं आपका जो कन्वेंशनल एनर्जी का, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स हो जाए, या हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो जाए उससे रिगार्डिंग हो, वहां से क्वेश्चन आपके, और इस बार भी देखने को मिला हाँ एनर्जी के सोर्स पे आपके प्रश्न जो थे निकल गया है। वही हम बात करते हैं सेकेंडरी पॉइंट पे, इसके अचीवमेंट ऑफ इंडियंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी चीज है एक भाई अचीवमेंट्स तो कम से कम हमें पता होना चाहिए, इंडिया का क्या अचीवमेंट्स है इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या अचीव किया है, ये तो प्राउड की बात है, और ये जानना हर किसी आम नागरिक का आपसे UPSC चाहती है कि आप इस चीज को भली बात ही समझे, अच्छे तरीके से जाने, है ना, इसके बारे में जानकारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी होनी चाहिए जो हमने अचीव किया है, है ना। जैसे अगर मान के चलिए अभी UPSC ने एकदम, आप देखेंगे कि इस अचीवमेंट पे ही डायरेक्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी हमारा अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या, चंद्रयान 3 की बात कर ले, तो चंद्रयान 3 के बारे में अभी जस्ट आपने देखा कि कल के क्वेश्चंस में आपको चंद्रयान 3 की चर्चा जो है वो की गई थी। तो ये क्वेश्चंस हमारे अचीवमेंट्स पे है, जो इसमें जैसे आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जैसे इसरो की बात कर लेते हैं, DRDO की बात कर लेते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ हमने अचीव किया है, या हमने वैक्सीन बनाया है, इंडिया ने बनाया है, है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमने अचीव किया है उसके बारे में हम एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए, और उसके बारे में पढ़ना चाहिए जो करंट में है, ये गारंटी तौर पर आपसे पूछा जाए, है ना। ये उसके बाद जो डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी है, एक वर्ड इसमें आया, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंतर्गत नहीं भाई, ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस टेक्नोलॉजी के विषय में हमारे पास जानकारी जो है UPSC चाहती है कि होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको मैगजीन्स का, न्यूज का बहुत ज्यादा हेल्प लेना पड़ेगा, और आपको हमेशा करेंट के, देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं ना, तो सभी लोग कहते हैं कि सभी कोई भी सब्जेक्ट है, मान के चलते हैं आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ना कोई रेफरल जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। UPSC में आपको साइंस एंड टेक का कोई बुक्स जो है रेफरल, आप कहेंगे कि बुक्स कुछ भी नहीं, इसका रेफरेंस अगर आपसे पूछते हैं मैं कहूँगा कुछ भी नहीं, इसका रेफरेंस है कि आपका IQ लेवल, इसका रेफरेंस है कि आपका अपडेट होना, आप कितना दुनिया के साथ जो ये चल रही है वर्ल्ड के में, चाहे इंडिया में या ग्लोबली जो चीजें चल रही हैं, आप उसके साथ साइंस एंड टेक के सेक्टर में आप कितना अपडेट हैं, बस यही चीज आपसे UPSC पूछना चाहती है।
और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की बातें नहीं पूछना चाहती है, आपको एक बेसिक समझ जो है, हम यूज कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी के कारण ही, हम एक दूसरे को अभी जो भी सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ही है। हम लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, इसके स्क्रीन की बात कर लें, हम कैमराज की यूज कर रहे हैं, हम इंटरनेट की यूज कर रहे हैं, हम वेव जैसे अभी इंटरनेट में ही अभी 5G की बात चल रही है, 5G अब हमारा हो चुका है, 6G की बातें चल रही है, 6C 6th generation की बात चल रही है। तो ये 5G 6G इंटरनेट क्या होता है, इसके विषय में तो जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो ये सब जो है कुछ अगर जो न्यू टेक्नोलॉजी उभर के अगर आ रही है तो उसके विषय में भी जानकारी हमारी होनी चाहिए। मैं इसके पूरे सिलेबस में भी चर्चा करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए। वहीं पर ये तीन पॉइंट्स अगर आप देखें तो फर्स्ट में हमारा 3 points जो था यहाँ से निकल के आ रहा है। पहला क्या, डेवलपिंग देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। सेकेंड वन इज दैट अचीवमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भी है हमारा जो अचीवमेंट्स है उसके विषय में। और थर्ड पॉइंट जो है, जो हम लोग टेक्नोलॉजी में डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हम यूजेज कर रहे हैं उसके बारे में। तो 3 points हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म से आपको, और यहाँ से इस बार भी क्वेश्चंस में आपके आए ही आए थे। दैट्स मींस मुझे लगता है कि दैट्स ऑल, ये क्लियर हो चुका होगा। और सेकंड जो हमारा दूसरा टर्म है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, अवेयरनेस होनी चाहिए बिल्कुल। स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इशू रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज के डेट में IPR का भी बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ रहा है। IPR, हालांकि अभी क्वेश्चंस IPR से आए नहीं है, अभी आज 2023 की बात कर लें तो इसमें IPR से क्वेश्चंस आए नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके अप्लाइड आए हैं, आपके अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, और एक क्वेश्चन इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका है यहाँ पे बायोटेक की बात कर ले तो एक आपके बायोटेक में रख लीजिए, या उसे आप सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर ले उससे रिगार्डिंग आप रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, 3 questions आपको भी 2023 में देखने को मिले। लेकिन मेंस के कुछ जो क्वेश्चंस रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहे हैं। अगर सिलेबस को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो हम अच्छे तरीके से मेंस में भी मार्क्स ला सकते हैं। एक एवरेज, ऑन एवरेज अगर बात कर लिया जाए, हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 10 marks के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने बस अपडेट होना है, आपको अपडेट होना, अपडेट हम मैगजीन्स के माध्यम के, पेपर के माध्यम से, है ना, या विभिन्न ऐसी जो गवर्नमेंट साइट्स हैं उस साइट के माध्यम से हम अपडेट हो सकते हैं। और इसका बस एक ही है, कोई बुक रेफरेंस नहीं है, बेसिक्स आपको कमांड्स होने चाहिए और हमें हमेशा पेपर के साथ जुड़ा होना चाहिए, इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स इससे आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें इनमें जो इन्होंने लिखा है कि सिलेबस में कि IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इसके अंतर्गत क्या क्या। तो मैं आपको कुछ अभी बेसिक्स जो है उसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि भाई देखो सिलेबस जो है, अगर छोटी छोटी सी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ आपको मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग में, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं कि इंडिया पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इंडिया की क्या क्या पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो 2013 का पॉलिसीज रहे, 2017 का पॉलिसीज रहे, या 2023 में भी पॉलिसीज आया था उसका जो अभी आया है उसके अकॉर्डिंग क्या रहा है, उन पॉलिसीज पे पहले आपकी पकड़ होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन तो एक होनी चाहिए कि भारत जो है वो साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना सक्षम है और कौन कौन से नियम जो है ये निकाले। अभी हम जान रहे हैं नीति आयोग जो है पूरी तरह से सक्षम है और बहुत सारे साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है उस पर चर्चा जो है जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग करने वाले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पॉलिसी है जो 1958 की बात कर लें या 2013 की बात कर लें, है ना, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के अंतर्गत क्या क्या स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन की, उसके विषय में आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। बात करते हैं फिर उसमें जो आपका नेशनल एजेंडा है, न्यू इनिशिएटिव को लेकर बहुत सारे स्टार्टअप हैं, कुछ हम क्या और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, उस इनिशिएटिव पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इंडिया एंड वर्ल्ड कोलैबोरेशन इन साइंस प्रोजेक्ट, अगर हमने वर्ल्ड के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है, कोई अगर सबमिट करके या कुछ भी हमने अगर डील किया है तो क्या रहा है, उस पर भी हमारी पकड़ जो है होनी चाहिए। और ये कोलैबोरेशन को पढ़ना पड़ेगा तो इसमें आपका सीधा और सीधा कहेंगे कि जो करंट अफेयर है, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हेल्प बहुत ज़्यादा है, ये फोकस हमारा रहेगा। सिर्फ मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया, उसी तरह से अगर चलते हैं एक एक पॉइंट को मैं आपको डील करते रहूँगा। स्पेस की बात कर ले तो स्पेस में आपको बहुत सारे, ये यहाँ से तो नाम ही मत ले, अभी स्पेस को पूरी तरह से फ्यूचर का कह सकते हैं कि फ्यूचर लैंड के रूप में इसे यूज करने की बातें कही जा रही है। फ्यूचर लैंड, हमारी धरती जब समाप्त हो जाएगी तो भाई स्पेस की हम चर्चा करते हैं कि स्पेस में हम कैसे, स्पेस में इतनी सारी चीजें हैं उसकी पूरी संभावना जो है हर अभी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखी जा रही है।
स्पेस टेक्नोलॉजी जो है ये एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि एक स्कोप है, और यहाँ से क्वेश्चंस, एक से क्वेश्चंस रहने की ज्यादातर जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ के पा सकते हैं। खास करके यहाँ पे जो आपके रॉकेट की बात कर लें, या जीपीएस की बात कर लें, या स्पेस एंड डेवलपमेंट की बात कर लें, या इसरो की बात कर लें, इशू ऑफ द स्पेस रेस में क्या है, या स्पेस एक्टिविटी बिल 2017 की बात कर लें, आउटर स्पेस ट्रिटी क्या है, इस सब के सवाल जो है आपको देखने को ज्यादातर यहाँ पर मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। वहीं पर बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा जाए कि सिलेबस में और कौन कौन से चीज़ ऐसे हैं जो कि आपसे कई बार सवाल में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स नहीं, हम मेंस की बात कर ले रहे हैं। तो मेंस में आपको बायोटेक, जैसे इसने कह दिया कि बायोटेक से हम क्वेश्चन जो है आपके करेंगे, तो बायोटेक में आपके क्या कैसे रह सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। यहीं पर हम चर्चा करते हैं आपको जीनोम की बात करें, जीनोम एडिटिंग जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, जीनोम एडिटिंग की बात कर ले, तो आपको जीनोम क्या है, पहले जीन क्या है, जीनोम क्या है, उसकी एडिटिंग क्या है, अभी इसको एडिट करके बहुत सारे कहा जा रहा है कि जो हमारे डिजीजेज हैं उस पर काबू किया जा सकता है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कंट्रोल जो है स्थापित कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो हैं अभी जीनोम एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लें। यहीं से हम बात करते हैं कि आपको जीनोम सिक्वेंस की अगर बात कर लें, अभी चल रहा था हाल ही में चर्चा में, जीनोम जो सिक्वेंस है वो सिक्वेंसेस क्या है, इस पर चर्चा हो सकती है। आपके यहीं से बात कर लें, क्लोनिंग सिस्टम की बात कर लें हैं, तो आपको यहाँ से क्लोनिंग सिस्टम जो है आपको इसमें समझना पड़ेगा। यहीं पर हम बात करते हैं जो सब, अगर एक एग्रीकल्चर सेक्टर में चलें तो जीएम क्रॉप्स से जो रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका जीएम क्रॉप्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको जीएम क्रॉप्स से संबंधित जो है बायोटेक में हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्रॉप्स है तो जीएम क्रॉप्स के बारे में आपको यहाँ से जानना होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आप यहीं पर कार टी सेल है, कार टी सेल के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही थी, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आपको इसके रिगार्डिंग पढ़ने होंगे, सब बायोटेक के ही क्वेश्चंस हैं। यहीं पे वायरल जो है आपके वायरल डिजीज वगैरह क्या है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, या इसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर सकते हैं, इसके अंतर्गत बायोटेक में हम नैनोटेक का कैसे यूज कर सकते हैं, इससे मेडिकल सेक्टर में भी नैनो की बात कर लें तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज जो है बहुत सारा अभी मतलब माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, साबित हो सकता है। एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के साथ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं कि जो कि बेसिक से अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो इन सारी चीजों को आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इनमें से और भी चीजों को, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ये सारे जो फैक्ट हैं जिसे प्रश्न जो है आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहीं से हम बात करते हैं। ये तो बायोटेक हो गया, आईटी के सेक्टर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईटी में हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने कहा फिफ्थ जनरेशन जो है ना 5G की बात करते हैं, तो 5G फिफ्थ जनरेशन जो है आपका मोबाइल नेटवर्क की बात चल रहा है, तभी फिफ्थ जनरेशन से रिगार्डिंग उसे फिफ्थ नहीं आप सिक्स जनरेशन की चर्चा आप कह सकते हैं, 2024 के लिए आपको सिक्स जनरेशन पे पूरा अपना फोकस करना होगा, क्या है ये जनरेशन से रिगार्डिंग जो आपका मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं, तो भारत ने भी एक लॉन्च किया भी मिशन, आप जानते होंगे भारत ने जो लॉन्च किया भारत 6G मिशन अभी लॉन्च हुआ है, ये सब जो है ये सारे करंट टॉपिक है, और हमने कहा कि आपको आईटी सेक्शन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको करंट के साथ ऐड होकर आपको चीजें ऐड ऑन करके चीजों को लेकर चलना होगा। अगर आप इन सारे फैक्ट्स को ऐड ऑन करते हैं, इन सारे टॉपिक को कवर करते हैं, तो मेंस आपका आराम से हो सकता है, हम इन चीजों को देखेंगे। यहीं पर डार्क नाइट क्या है, अभी डार्क नाइट बोलते हैं, डार्क नेट क्या है, तो इसके विषय में भी चर्चा चल रही है, डार्क नेट के विषय में भी चर्चा अभी चल रही है, डार्क नेट क्या होता है इसके संबंध में। यहीं से अगर हम बात कर लेते हैं तो फेशियल रिकॉग्निशन अगर बात कर लें, FCT की बात चल रहा है, FRT रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पोस का जो है अभी चर्चा चल रहा है, पोस क्या है ना, ये सब IT सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो आती हैं। चलिए इसी पे अगर हम और चर्चा कर लें थोड़ा सा इसमें, कि इसमें और क्या क्या जो है वो फैक्ट आ सकते हैं। मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारा जो फैक्ट और हो सकता है, तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर लें, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी का सेक्टर जो है, ये हर बार, इस बार भी पूछा, हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ना कि केवल मेंस बल्कि PT में भी, आपको प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपको उसके विषय में जानकारी होना चाहिए कि इंडिया का क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है तो उसमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ें अभी चल रही हैं,
है ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सारा चीज हमें पढ़ना होगा। उसके बाद नीति आयोग ने इसके लिए क्या क्या, नीति आयोग आप जानते होंगे नीति आयोग के विषय में, तो नीति आयोग ने इस पर अपनी क्या क्या चीजें रखी हैं, यानी कि खास करके आपने देखा होगा जैसे कि नीति आयोग ने अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो जैसे हम बात करते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज के विषय में, बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज है उसके विषय में अभी पूरा चल रहा है कि भाई बैटरी एनर्जी स्टोरेज है ना। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है ना, इस बार भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, खास करके आप देखेंगे कि इस बार का क्वेश्चंस में आपको एनवायरनमेंट में भी हम इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये सब एनर्जी के जो सोर्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। खास करके यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर जो एक अभी चल रहा है फ्लैक्स फ्यूल है ना, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होता है, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अभी ये करंट का मैंने बताया कि आप जब पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको इसमें शामिल करके चीजों को देखना होगा। यहाँ पे बात करते हैं क्लीन टेक एक्सचेंज अभी चर्चा में रहा है, क्लीन टेक एक्सचेंज अभी चर्चा में रहा है। ये क्लीन टेक एक्सचेंज वगैरह क्या है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या ये हमारे लाइफ को और ज़्यादा कैसे सरल कर सकता है, या एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके आ जाएंगे, है ना। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स हैं उसके विषय में आप कह सकते हैं, या यहाँ पे आप बायोफ्यूल्स को भी इसके अंतर्गत जो है आप रख सकते हैं। बायोफ्यूल्स जो है एनर्जी के अंतर्गत भी हम देखा जा सकता है और इस बार के क्वेश्चन में पूछे ही गए हैं। साथ ही साथ इस पे अगर आगे चलते हैं तो हमारा एक हेल्थ का सेक्टर जो है आपके जो मेंस में आपके हेल्थ के सेक्टर से क्वेश्चंस जो अक्सर रहते हैं कि हेल्थ के सेक्टर में क्या अचीवमेंट्स है, या अभी हेल्थ के इश्यूज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हम इसमें रख सकते हैं हेल्थ में, है ना। पेंडेमिक ट्रिटी को लेकर या WHO के साथ हमारा क्या क्या अभी चल रहा है, या WHO ने कौन कौन सी ऐसी ट्रिटी है, या कुछ ऐसे समिट्स हैं जहां पर इसकी चर्चा चल रही है ना। टेक जो है वो हेल्थ के सेक्टर में क्या काम कर रहा है, तो करंट टॉपिक से जो भी चीजें आएंगी उसको हम लोग देखेंगे जो 2024 के लिए आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। और एक मिसलेनियस आप कर सकते हैं, इन सब के बाद आप मिसलेनियस के टॉपिक में जो चीजें बच गई हैं उसे कवर कर सकते हैं। ये पूरा सोर्स रहा है जहां हम इसे कवर सकते हैं। सोर्स कहने का मतलब अगर हम इसमें देखें तो मुख्य रूप से जो आपका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होगा वो आपका न्यूज़पेपर होगा, और जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो आपका मुख्य सोर्स होगा। कोई रेफरेंस अगर बुक की चर्चा करते हैं तो हम नहीं सजेस्ट करते हैं कि इसमें कोई रेफरेंस बुक, हाँ रेफरेंस बुक्स आपके बेसिक्स और जो फंडामेंटल आपके जो थिंकिंग है उसको बढ़ाने में आपको मदद कर सकती है। हाँ भाई चलो भाई हमने बात किया कि जो ईंधन हैं या बायोफ्यूल्स हैं या हाइड्रोजन की बात कर ले रहे हैं, है ना, फ्यूचर जो एनर्जी का सोर्स है उसे माना जा रहा है, तो पहले ये है क्या, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग करेगा, लेकिन करंट की चीज़ों पर आपको ज़्यादातर देखना। यानी साइंस एंड टेक सीधी सी अगर हम बात कर लें एक लाइन में कि साइंस एंड टेक की तैयारी कैसी करनी है, तो पहले बेसिक्स फंडामेंटल को हमें पूरी तरह से अगर हम चलें कि भाई कैसे हमें साइंस एंड टेक की तैयारी को करनी चाहिए, अगर अगर इस पर बात किया जाए कि साइंस एंड टेक की तैयारी में हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें बस दो चीज आप हमेशा याद रखें, पहले हमें अपने बेसिक्स को पूरी तरह से कवर करना है, जो बेसिक्स हैं है ना, बेसिक्स जो हैं उसको पूरी तरह से आप कवर करिए। बेसिक्स कवर करने के बाद आपको करंट के साथ पूरी तरह से ऐड ऑन कर लेना करंट। अब करंट जो है हर सेक्टर में, मैंने आपको 5-7 सेक्टर की चर्चा की, जैसे चाहे आपका बायोटेक हो जाए या नैनोटेक हो जाए या स्पेस टेक्नोलॉजी हो जाए या डिफेंस हो जाए, है ना, या हमने कह दिया IT की बात कर लें, है ना, या हमने कह दिया कि हेल्थ की बात कर लें, है ना। ये 5-6 टॉपिक ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिसे आप अगर करंट के मुद्दों से उठा लेते हैं तो आप अपने मेंस के पेपर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, और हम लोग साथ में मिलकर इसकी मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से मार्क्स को भी लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपने आप पूरे जो डिस्कशन हैं उसको अच्छे से सुना होगा और इस बात को समझा होगा कि ये आपके लिए कैसे मतलब मददगार हो सकता है, और हम किन चीज़ों को करके साइंस एंड टेक के जो ये पूरे मिथ है उसको हम पूरे अच्छे तरीके से अब कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आप बचपन से साइंस को पढ़ते आ रहे हैं, तो फंडामेंटल आपके पास ज्ञान जो है कुछ भी जो उसका बेसिक्स है आपके पास कवर होंगे, बस उसको आप करंट के साथ जोड़ दीजिए, बस उसका अप्लाइड चीज़ों पर हमें फोकस कर लेना है। तो चलिए फिर आप लोगों से हम विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहें सुपर कोचिंग IAS बाय टेस्टबुक के साथ। थैंक यू वेरी मच।